नमस्कार, आप देख रहे हैं जाल सिपाही। मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज मैं फिर आपके साथ कोरोना अपडेट को लेकर फिर से हाजिर हुआ हूं। और अभी हम अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर में हैं और समय का अभी 5:30 हो रहा है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज कोरोना अपडेट को लेकर क्या है। तो आज बात करें बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र की, जहां पर 208 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से राहत भरी वाली खबर है, जिसमें से कोई भी आज संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा बात करें जिस प्रकार से क्षेत्र में कोरोना को लेकर अपडेट जो है देखने को मिलता है, लोगों के बीच में एक संदेश भी जा रहा है, क्योंकि बात करें कि 18+ वाले लोगों का जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। क्योंकि 18+ वाले जो वैक्सीनेशन की बात करें तो 76 वैक्सीनेशन अभी तक हुई है। इसके अलावा 45+ वाले लोगों की बात करें तो 11 लोगों को फर्स्ट डोज का वैक्सीन दिया जा चुका है। बात करें आज जो अनुमंडलीय अस्पताल में जो डॉक्टर की जो तैनाती रहेगी, वो डॉक्टर सीतर सरकार की आज डॉक्टर के यहाँ पर तैनाती रहेंगी। उनके गाइडलाइन में आपका आज चिकित्सा किया जाएगा। इसके अलावा बात करें स्टाफ की, जो मेडिकल स्टाफ जो आपको असिस्ट करेंगे, यहाँ पर मोहन स्वासी और प्रीतम मुंडा जो हैं यहाँ पर आपको मेडिकल असिस्टेंस देंगे। लेकिन बात करें जिस प्रकार से डॉक्टरों की कमी जो है यहाँ पर लगातार जो देखने को मिलती है, जो आए दिन जो है लोगों को समस्या हो रही है डॉक्टर को लेकर, तो इस विषय में हम आज हमारे साथ अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विजय प्रसाद को आज हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर विजय प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आजाद सिपाही में आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आप हमें समय दिया आज। धन्यवाद सर। बात करें कि जिस प्रकार से कोरोना को लेकर जो क्षेत्र में जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है इस पर और अभी तक कितना कुछ हो पाया है? नहीं, कोरोना का तो कुछ दिन पहले तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा सारे केस मिल रहे थे, लेकिन अब केसेस में काफ़ी कमी आ रहे हैं और एक्का दुक्का ही लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। हमारे पूरे प्रखंड में जांच चल रही है, सर्वे जांच अभियान चल रही है पूरे प्रखंड में, सहियाओं द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। अभी तक किसी का पॉजिटिव नहीं आया है और आज फील्ड में अभी तक किसी का पॉजिटिव नहीं आया। आज फिर बुंडू अस्पताल में भी 2-3 पंचायत में और अस्पताल में जाँच की गई 208 लोगों की, लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव नहीं मिला। ये काफ़ी राहत भरी खबर है और धीरे धीरे लोग इसी तरह से लॉकडाउन वगैरह का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है अगर उसका पालन करते रहे तो हमारे समझ से काफ़ी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। सर, वैक्सीनेशन वाले कार्यक्रम के बारे में बात कर लिया जाए तो वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम जो चल रही है, हालांकि बात करें 45+ वाले लोगों के लिए, इतनी उदासीनता लोगों में क्यों देखने को मिल रही है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग तो प्रतिदिन यहाँ अनुमंडल अस्पताल बुंडू में प्रतिदिन हमारी टीम बैठती है, प्रतिदिन यहाँ सेशन क्रिएट होता है, लेकिन लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। लगता है कि अधिकतर लोग जो उनको लेना था वो ले चुके हैं, 45+ वाले लोग, या बहुत सारे लोग इधर उधर भी लिए होंगे। हमारे यहाँ भी करीब 6,800 के आसपास पड़ा है टोटल वैक्सीनेशन, और अब 45+ में बहुत ज़्यादा लोग लगता है नहीं बचे हैं, और या बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते हैं जो सुदूर गाँव के लोग हैं, उनके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती है, अगर ले लेते तो अच्छा रहता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वैक्सीन बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये कोरोना से बहुत हद तक बचाता है, अगर हो भी गया तो कम से कम सीरियस नहीं होता है आदमी, ये एक बहुत बड़ी बात है। कारण कि इस बार कोरोना में जो देखने को मिला है कि इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई है, इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोग की मृत्यु हुई है जिनके पास ना पैसे की कमी है ना कोई साधन की कमी है, तो इस सबको देखते हुए हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया वैक्सीन लें। वैक्सीन लेंगे तो कम से कम आप दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे और आपकी भी सुरक्षा होगी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अनुमंडलीय अस्पताल को कोविड सेंटर जो बनाया जाना था, कितने हालात तक अभी काम की है और कितना होना अभी बाकी है? नहीं, अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं है, केवल बेड आया है 48 बेड्स यहाँ हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको पहले बताया था 48 रखे हुए, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे सिविल वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स और इलेक्ट्रिकल वर्क्स इसमें होने हैं। कारण कि कोविड वार्ड जब बनेगा तो चूँकि बिल्डिंग एक ही है हमारी, तो बिल्डिंग में उसको एक सेपरेट करना पड़ेगा टोटल और सभी मरीजों से, जैसे डिलीवरी के मरीज हैं, चाहे MPC है, चाहे इमरजेंसी चलता है, चाहे जो भी और जनरल मरीज आते हैं, तो कोविड वार्ड को एक सेपरेट करना पड़ेगा, जिस पर हमारे SDO मैडम ने और JEE भवन निर्माण के और PHED के इंजीनियर वगैरह आके सब अपना सब देख के गए हैं। अब उसमें वो लोग अपना कार्य शुरू करेंगे, हम समझते हैं। जब डॉक्टरों की कमी, डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो है अनुमंडलीय अस्पताल हमारे बुंडू में देख साफ खास करके देखा, लास्ट टाइम हमने बताया भी था कि 16 मेडिकल स्टाफ से लेकर 9 डॉक्टर की कमी है। कब तक उनका प्रतिनियुक्ति रद्द किया जाएगा, कब तक ये पहुँचेंगे, कुछ इसके बारे में? मैं नहीं बता सकता हूँ प्रतिनियुक्ति कब रद्द की जाएगी, कारण कुछ लोगों की प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा की गई है, बहुत लोगों की प्रतिनियुक्ति हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा की गई है,
इसके बारे में तो वही लोग बता सकते हैं। हमने अपनी बात सभी जगह कह दी है और देखिए कब तक आ पाते हैं वो लोग। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कुछ लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि बात करें जिस प्रकार से पुराना अस्पताल जो है और ये अनुमंडलीय अस्पताल, डॉक्टर की संख्या अभी कितनी है? MBBS हम लोग दो ही हैं, हमारे लेकर के दो हैं, मैंने हमारे अलावा केवल एक हैं। हमको तो दिन भर इधर उधर बिजी रहना पड़ता है। प्रभार भी डॉक्टर साहब आपको दिया गया है, कितनी दिक्कत हो रही है अभी लोगों को इलाज करने में? देखिए डॉक्टर नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो होगी, कारण कि जनता जब आती है तो वो डॉक्टर को खोजती है। जनता को एक डॉक्टर से मतलब है, हम जाएँ अस्पताल में तो हमको एक डॉक्टर मिले, हमारी क्या समस्या है उससे जनता को ज़्यादा मतलब होता नहीं। जनता यही चाहती है कि हम अस्पताल जाएँ तो एक डॉक्टर मिले, लेकिन अभी के सिचुएशन में बहुत ही दिक्कत हो गई है। एकाएक आयुष के डॉक्टर हैं, उनसे कुछ मदद लेकर किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। हम समझते हैं कि दो तीन दिनों के अंदर में ज़रूर कुछ न कुछ उपायुक्त महोदय करेंगे। हम लोगों ने इसी उनसे रिक्वेस्ट भी किया है, वो आके भी देखे हैं, विधायक महोदय भी इस प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए उम्मीद है कि जल्दी ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी डॉक्टर विजय प्रसाद जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपनी बातों को रख रहे थे। खास करके बात करें कि जिस प्रकार से अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू का जो हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर स्टार्टिंग की गई थी, जिस प्रकार से यहाँ पर उपायुक्त महोदय आए हुए थे, यहाँ पर विधायक तमाड़ विधानसभा के विधायक विकास कुमार मुंडा आए थे, इसके अलावा बात करें कि जिस प्रकार से यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग लगे हुए थे अस्पताल को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन अभी तक बात करें कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने ये बातें रखी है कि अभी तक डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति रद्द नहीं की गई है, तो जिसको लेकर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बात करें कि हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर काफ़ी सचेत होने की भी इसको आवश्यकता है, क्योंकि बात करें कि जब किसी को बीमारी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो अस्पताल की ओर रुख करते हैं, और ऐसे में डॉक्टर का ना होना एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही एक घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि रांची, यहाँ से यदि रांची की ओर यदि जाना पड़े तो ये करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, तो समझ सकते हैं कि आज के हालातों में, क्योंकि जिसके पास प्राइवेट गाड़ी है वो यहाँ से रांची की दूरी जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि निजी वाहन के को छोड़कर यदि बात करें किसी अन्य वाहन को तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। जहाँ जहाँ बात करें यहाँ पर पास को लेकर, तो पास को लेकर भी जो समस्या लोगों के बीच में है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। और हालांकि जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति जो कर दी गई है रांची में, उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करके वापस यहाँ बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल और जहाँ जहाँ पर वो पदस्थापित थे वहाँ पर इनको प्रतिनियुक्त कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र में किसी प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए हमारे उपायुक्त रांची को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ में हमारे तमाड़ विधायक विधानसभा के विधायक विकास कुमार मुंडा भी इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। खास करके बात करें कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी सचेत होने की आवश्यकता है। इसी तरह से हम आगे भी आपको कोरोना से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा आजाद सिपाही के साथ, मैं फिर से आपके साथ कल हाजिर हूँगा हमारे सहयोगी अमित रवि के साथ। मैं अमित दत्ता, आजाद सिपाही बुंडू।